नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। जीएसटी बिल के मामले में झुकी मोदी सरकार, जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक में कुछ बदलावों को दी मंजूरी। वित्त मंत्री अरुण जेटली को अब बिल पर आम सहमति बन जाने की उम्मीद। सलमान खान के हिरण शिकार मामले में नया मोड़, 14 साल बाद सामने आया मामले का मुख्य गवाह हरीश दुल्हानी, सलमान के ही गोली चलाने का किया दावा। मुश्किलों में घिरे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, संघ को गांधी का हत्यारा बताने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिए दो विकल्प, या तो बयान पर माफी मांगे या मुकदमे के लिए हो जाए तैयार। आतंकवादी हाफिज सईद के एक बयान से सामने आई पाकिस्तान की मंशा, कहा लश्कर के कमांडर ने की थी कश्मीर हिंसा की अगुवाई, हाफिज ने सार्वजनिक तौर पर किया खुलासा। और पहलवान नरसिंह यादव दूसरे डोप टेस्ट में भी फेल, नाडा आज सुनाएंगे इस मामले में फैसला। नरसिंह ने एक नाबालिग रेसलर के खिलाफ दर्ज कराई FIR, खाने में प्रतिबंधित पाउडर मिलाने का लगाया आरोप। केंद्र सरकार ने जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक में कुछ प्रमुख बदलावों को मंजूरी दे दी है। राज्य को 1% अतिरिक्त विनिर्माण कर लगाने संबंधी प्रावधान हटा लिया गया है और जीएसटी लागू होने के पहले 5 साल के दौरान राज्यों को राजस्व नुकसान की भरपाई की गारंटी दी जाएगी। ये भी प्रावधान किया जाएगा कि जीएसटी लागू होने पर केंद्र और राज्यों के बीच विवाद की सूरत में जीएसटी परिषद में मामला जाए और वही फैसला करे। इस परिषद में केंद्र और राज्य दोनों के नुमाइंदे होंगे। राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बिल पर सहमति बनाने के लिए प्रमुख राजनीतिक दलों से बातचीत शुरू कर दी है। कांग्रेस नेताओं से कई दौर की बातचीत पहले ही हो चुकी है। अब बिल का अंतिम खाका तैयार करने के लिए वित्त मंत्री इस हफ्ते लेफ्ट नेताओं के साथ साथ छोटे दलों से भी मुलाकात करेंगे। लोकसभा ने कल कपाल और लोकायुक्त संशोधन बिल 2016 बिना चर्चा के पास कर दिया। सरकार ने कहा कि इस बिल को तुरंत पास की जाने की आवश्यकता है क्योंकि हर पब्लिक सर्वेंट को अपनी वार्षिक संपत्तियों और देनदारियों की घोषणा करनी है और 31 जुलाई तक ये करना जरूरी है, इसलिए इस बिल पास किए जाने की जरूरत है। जब कार्मिक मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सदन को ये आश्वासन दिया कि सरकार भ्रष्टाचार को रोकने के उद्देश्य से ये बिल ला रही है, तो सदन में ध्वनि मत से इस बिल को पास कर दिया गया। सरकार की कोशिश यही है कि राज्यसभा में इस बिल को आज ही पास करवा ले। जोधपुर के हिरण शिकार के जिस केस में सलमान खान बरी हुए हैं, उस केस में नया उड़ाया है। जो गवाह हरीश दुलानी 2002 से गायब था, वो सलमान के बरी होने के बाद सामने आया है और कहा है कि सलमान ने ही गोली चलाई थी। दुलानी वही ड्राइवर है जिसकी गवाही पर सलमान के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। केस चला था उसी गवाह के बरसों तक गायब रहने के बाद सलमान बरी भी हुए। कई बार कोर्ट ने जमानती वारंट निकाला था लेकिन दुलानी सामने नहीं आया। चिंकारा शिकार मामले के अहम गवाह हरीश दुलानी का खुलासा अभिनेता सलमान खान पर भारी पड़ सकता है। दुलानी ने कहा है कि उन्हें कोर्ट में गायब बताया गया जबकि वे कहीं नहीं गए। सलमान को बचाने के लिए उन्हें गवाही के लिए ही नहीं बुलाया। मुंबई आतंकी हमलों के गुनहगार आतंकी हाफिज सईद ने कश्मीर में भड़की हिंसा को लेकर बड़ा बयान दिया है। हाफिज ने कहा है कि कश्मीर में हुए विरोध मार्च की अगुवाई लश्कर का एक कमांडर कर रहा था। हमेशा खुद को लश्कर तैयबा से अलग बताने वाले हाफिज ने 26/11 हमलों के बाद पहली बार आतंकी संगठन के बारे में सार्वजनिक तौर पर कुछ कहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में लश्कर के बैन होने की वजह से हाफिज सईद हमेशा जमात दावा को खुद का संगठन बताते हुए खुले तौर पर लश्कर से कनेक्शन होने की बात से इनकार करता रहा है। हाफिज के बयान से ये साबित हो गया है कि बीते 2 दिनों से पाकिस्तान सरकार ने कश्मीर में भड़की हिंसा को और बढ़ाने की कोशिश की है और इसे सिविल राइट से जोड़कर फायदा उठाने की भी कोशिश कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सत्ताधारी आम आदमी के विधायकों पर गिरीगाज को पार्टी के नेता केजरीवाल ने साजिश करार दिया। दिल्ली की जनता के नाम संदेश में केजरीवाल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से आम आदमी पार्टी के ऊपर दमन चक्र चलाया जा रहा है, कुचेलने की कोशिश की जा रही है। हमारे 10 विधायकों को गिरफ्तार कर चुके हैं और एक विधायक के घर पर रेड करवाई गई है। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने मोदी सरकार पर खुला हमला बोलते हुए कहा है कि हमारे 21 विधायकों को झूठा सच्चा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहकर अयोग्य साबित करने की कोशिश की है और इन्होंने हमारे एक सांसद को सस्पेंड कर दिया। 21 संसदीय सचिवों के मामले में चुनाव आयोग ने
कांग्रेस, बीजेपी और दिल्ली सरकार को मामले में पार्टी बनने की याचिका खारिज कर दी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर दलों की मदद की जरूरत होगी तो इनकी मदद लेंगे, लेकिन फिलहाल आयोग ने इन्हें पार्टी बनाने की जरूरत नहीं समझी। चुनाव आयोग इस मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को करेगा। लाभ के पद मामले में आम आदमी पार्टी के 21 विधायक की विधायकी पर तलवार लटकी है। मार्च 2015 में दिल्ली सरकार ने अपने 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया था। इसके खिलाफ प्रशांत पटेल नाम के शख्स ने राष्ट्रपति के पास याचिका लगाकर आरोप लगाया कि 21 विधायक लाभ के पद पर है, इसलिए इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। 2014 लोकसभा चुनाव में आरएसएस को गांधी का हत्यारा बताने वाले बयान में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को दो विकल्प दिए हैं, या तो अपने बयान पर माफी मांग ले या फिर मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार रहे। राहुल गांधी को 23 अगस्त तक कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखना है। दरअसल राहुल गांधी ने लोकसभा चुनावों के समय अपने एक चुनावी भाषण में आरएसएस को महात्मा गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया था और आरएसएस ने उन्हें अदालत में चुनौती दी थी। जानकारों का कहना है कि राहुल गांधी अगर अपने बयान पर कायम रहते हैं और जेल जाने से नहीं डरते हैं तो उन्हें नया राजनीतिक जीवन मिल सकता है। कांग्रेस के नेता भी इशारा कर रहे हैं कि राहुल माफी नहीं मांगेंगे। मध्य प्रदेश के मंदसौर में मंगलवार को हुई दो महिलाओं की पिटाई के मामले ने तुल पकड़ लिया है। कल इस मसले पर एमपी विधानसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। अब मध्य प्रदेश सरकार में गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पूरे मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कल बताया कि मंदसौर में महिलाओं से मिले मांस की रिपोर्ट में बफेलो मीट की पुष्टि हुई है, लेकिन राज्य में उसके भी ले जाने की मनाही है, इसलिए दोनों महिलाओं को जेल भेजा गया है। गृह मंत्री के इस बयान के बाद मामला मायावती ने इस मामले को राज्यसभा में उठाया और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। मंदिरों में महिलाओं के प्रवेश और पूजा करने के अधिकारों के लिए लड़ने वाली भूमाता ब्रिगेड की अध्यक्ष तृप्ति देसाई का एक अलग रूप देखने को मिला। उन्होंने शादी का झांसा देकर एक लड़की से कथित तौर पर रेप करने वाले एक युवक की चप्पलों से पिटाई कर दी। मामला शिकारपुर गांव के पास का है। यहां एक 25 वर्षीय युवक ने झांसा देकर अपनी प्रेमिका के साथ संबंध बनाने के बाद शादी करने से इनकार कर दिया। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद तृप्ति देसाई और उनके संगठन की एक अन्य सदस्य ने आरोपी लड़के की जमकर पिटाई कर दी। घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। दिल्ली में सरकारी जमीन पर बने निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को पूर्ण विचार याचिका को खारिज कर दिया है। ये वो स्कूल है जो सरकारी जमीन पर बने हुए हैं। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने कुछ वक्त पहले आदेश दिया था कि बिना विभाग से पहले इजाजत लिए सरकारी जमीन पर बने प्राइवेट स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकते हैं और अगर स्कूल ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। दिल्ली सरकार के इस आदेश को प्राइवेट स्कूलों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की याचिका पर जस्टिस रोहिंतंग नरीमन ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है, क्योंकि वे केस में पैरवी कर चुके हैं। मामले की सुनवाई अब 24 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अब किसी को अंतरिम राहत नहीं दी जाएगी और केस में अंतिम बहस होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने आदेश दिया था कि मामले की अगली सुनवाई के दिन एक भी शिक्षा मित्र कोर्ट में नहीं आना चाहिए। यदि एक भी शिक्षा मित्र कोर्ट में घुसा तो मामले की सुनवाई नहीं की जाएगी। कोर्ट ने ये चेतावनी सुनवाई के दिन शिक्षा मित्रों की कोर्ट में होने वाली भीड़ को देखते हुए दी थी। विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून यानी फेमा के नियमों के उल्लंघन और अपने ग्राहक को जानिए नियमों के अनुपालन में ढिलाई पर बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के 13 बैंकों पर 27 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इनमें पंजाब नेशनल बैंक और HDFC बैंक भी शामिल है। इसके अलावा SBI और ICICI बैंक सहित 8 अन्य को इन दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के एक बैंक से मिली जानकारी के आधार पर रिजर्व बैंक ने अक्टूबर-नवंबर 2015 में 21 बैंकों में धन बाहर भेजने की जांच की थी। केंद्रीय बैंक ने कल जारी बयान में कहा कि उसने 13 बैंकों पर जुर्माना लगाया है। चीन के सैनिकों ने एक बार फिर भारतीय सीमा में घुसपैठ की है। घटना उत्तराखंड के चमोली जिले की है, जहां सीमावर्ती इलाके में चीनी सैनिक दिखाई दिए। सूत्रों का कहना है कि 19 जुलाई को चमोली के DM और ITBB के अधिकारी
अधिकारी बाराखोती इलाके में सर्वे करने गए तो उन्होंने वहां हथियारबंद चीनी सैनिकों को देखा। चीनी सैनिक तुनजुन लापास तक पहुंच गए थे। भारतीय अधिकारियों को देखकर चीनी सैनिक वापस अपने इलाके में लौट गए। तुनजुन लापास तक चीन ने अपने एरिया में सड़क बना रखी है और आराम से इस पास तक आ जा सकते हैं। उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत ने चीनी सैनिकों की घुसपैठ की खबर की पुष्टि करते हुए कहा है कि ये चिंता की बात है। रावत ने कहा कि केंद्र सरकार को इस इलाके की निगरानी कड़ी कर देनी चाहिए। पहलवान नरसिंह यादव दूसरे डोप टेस्ट में भी फेल हो गए हैं। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा में आज भी डोपिंग मामले की सुनवाई होनी है। शाम 4 बजे इस पर फैसला भी आ सकता है। वही सूत्र बताते हैं कि नरसिंह के रियो जाने के आसार कम हैं। नाडा ने मामले में साजिश किए जाने के आरोपों पर कल नरसिंह का पक्ष सुना और इस फैसले को गुरुवार तक के लिए टाल दिया। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कल कहा कि पहलवान नरसिंह यादव के डोप टेस्ट में पाए गए प्रतिबंधित पदार्थ मेथान डीएनोनेन का सेवन करने के बाद वह लंबे समय तक शरीर में रह सकता है और मूत्र नमूने में 8 हफ्तों तक इसकी मौजूदगी पाई जा सकती है। इस बीच नरसिंह ने पुलिस में FIR दर्ज कराते हुए कहा कि उन्हें शक है कि उसके खाने में किसी ने ऐसा कुछ मिलाया जिससे वो डोप टेस्ट में फेल हो गए। नरसिंह ने FIR में एक नाबालिग पहलवान का नाम दिया है। नरसिंह यादव की डोपिंग टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद रियो ओलंपिक में कुश्ती के 74 किलोग्राम वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, इसको लेकर कई सवाल और विवाद नजर आ रहे हैं। फिलहाल नरसिंह यादव की जगह प्रवीण राणा का नाम भेज दिया गया है। अब नाडा की कमेटी नरसिंह यादव के आरोपों की जाँच कर रही है। वही मोदी सरकार में खेल और युवा मामलों के मंत्री विजय गोयल ने साफ साफ कह दिया कि नरसिंह यादव की जगह प्रवीण राणा को ओलंपिक में टिकट नहीं मिल सकता है। इस पर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मंत्री जी के पास इस विषय पर शायद जानकारी नहीं होगी। फेडरेशन और पहलवानों के बीच टकरार के कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन पहली बार फेडरेशन और मंत्रालय के बीच विवाद नजर आ रहा है। गोला फेंक के एथलीट इंद्रजीत सिंह का हैदराबाद में राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान 29 जून को लिया गया डोप का नमूना साफ सुथरा पाया गया, लेकिन उनके ए नमूने से जुड़ा मामला अब भी बना हुआ है। उनका ए नमूना पॉजिटिव पाया गया था। रियो के लिए क्वालिफाई करने वाले इंद्रजीत का 22 जून को प्रतियोगिता से इतर लिया गया ए नमूना पॉजिटिव पाया गया था। उन्हें नाडा ने कहा कि उनके बी नमूने की 7 दिन के अंदर जांच की जाएगी और उसमें नाकाम रहने पर उनका डोप में असफल होने की पुष्टि हो जाएगी, लेकिन अब पता चला है कि 29 जून को लिया गया नमूना नेगेटिव रहा। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से, तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।